हूँ आपके साथ नम्रता शर्मा। ऐसा लगता है कि जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है तब से बहुत सारे बदलाव हुए हैं, और ये बदलाव सिर्फ हम विकास के तौर पर नहीं कह सकते बल्कि ओवरऑल एक डेवलपमेंट हुआ है। जैसे कि बहुत सारे भारत में ऐसे काम हुए थे अब से पहले जिनको बदला गया, जो देश हित में रहे, जनहित में रहे। इसके अलावा आस्था का एक मुद्दा ऐसा रहा है, धर्म का एक ऐसा मुद्दा रहा है जो बहुत सेंसिटिव रहा है। मोदी सरकार के आने के बाद धर्म के मुद्दे को भी बहुत ज्यादा सीरियसली लिया जाने लगा है। अब देखिए, इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर यह है कि 1200 साल पुरानी एक मूर्ति जो 40 साल पहले भारत से चोरी हुई थी, उसे वापस भारत लाया गया है। ये बहुत बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि आस्था के नाम पर जो चोट श्रद्धालुओं को मारी गई थी, इससे कहीं ना कहीं उबरने में उनको मदद मिलेगी। चित्रकूट से बताया जा रहा है कि ये मूर्ति चोरी हुई थी लेकिन अब इसे वापस लाया गया है। बताया जा रहा है कि लंदन में थी ये मूर्ति, मतलब ये समझ लीजिए कि चुराई गई चित्रकूट से और फिर ट्रांसफर होते होते लंदन पहुंच गई थी। वहां से इसे 40 साल बाद वापस लाया गया है। बताया जा रहा है कि इस मूर्ति की जो रचना है वो एक बकरी के आकार की है, बकरी का सिर लगा हुआ है और खास मूर्ति है। पुराना किला स्थित संग्रहालय को इसे सौंप दिया गया है। इस मूर्ति को चित्रकूट के लौरी ग्राम पंचायत के लोकरी गांव के 64 योगिनी मंदिर में स्थापित किया जाए या इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को सौंप दिया जाए, इस बात का फैसला बाद में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। वैसे खबर यही मिल रही है कि जहां से इस मूर्ति को चोरी किया गया था, यानी कि चित्रकूट के मंदिर से, वहां पर ही इसको स्थापित किया जा सकता है। हो सकता है कि इसको संग्रहालय में ना भेजा जाए, अब देखना होगा, ये तो खैर बाद का फैसला होगा। लेकिन इन सबके बीच अब लोग बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं मोदी सरकार की, कह रहे हैं कि जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं धर्म को लेकर वो वाकई में सराहनीय है। बता दें, 10वीं शताब्दी की बकरी के सिर वाली इस मूर्ति को लगभग 40 साल पहले चित्रकूट से चुराया गया था। 6 महीने पहले इस मूर्ति को भारत लाने की कवायद शुरू हुई। बलुआ पत्थर की बनी हुई यह मूर्ति कई मामलों में खास है। ये पहली मूर्ति है जिसमें योगिनी का सिर बकरी का है। तो खैर, सोशल मीडिया पर इसकी कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं, हम भी आपको दिखा रहे हैं। आप बताइए, इस पूरी खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं?